कैसा है? कंप्लीट करने दो ना। ओ सॉरी। तो गाइस अभी लैंडिंग भाई के रेस्टोरों के बाहर में हैं। हम एक्चुअली जा रहे हैं तेजू मोपोक से होके जाएंगे, क्योंकि बच्चे लोगों को मिलना है उसका दादाजी और दादी जी से और उसके रिलेटिव से, उसके बाद में और विजय जी से। और कल हम लोग यहाँ का जो रेस्टोरेंट का जो खाना पीना है उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आज यहाँ से पैकिंग करके रास्ते में हम सब मिलके खाएंगे। एनीवे गाइस हमारे साथ में हमारे जो खाओ गुड फूड केजीएफ के सामने ही है मेरा ब्रदर इन लोग का दुकान। आप लोग केजीएफ घुसेंगे तो यहाँ भी ज़रूर घुसना, क्योंकि ये है मेरे ब्रदर इन लोग की दुकान। यहाँ से यहाँ पर बहुत सामान यहाँ भी मिलते हैं, आप देख सकते हैं रोस्टिंग आइटम्स, पोर्क, चिकन, रोस्टेड गिजर्ट्स, पेयर विंग्स। और ये उसका दुकान है, बहुत कैमरा शाय है। एनीवे गाइस नाउ वी विल एंजॉय द खाओ गुड फूड। आई लव जीटीसी। आई लिंकिंग भाई आई लव, तो ठीक है आई लव जीटीसी को वाइट पेंट नहीं करके ऑरेंज या येलो पेंट कर रहा हूँ तो पता ही नहीं चल रहा है। अभी मैं देख रही हूँ ये कैमोफ्लेक हो रहा है ना, इसका साथ में कैमोफ्लेक हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि ये भी वाल है, देखा है तो ये मेरा ही जीटीसी है, मेरा ही जीटीसी। कैसा है? यम्मी है क्या? लेंजिंग भैया का हम भी पी के देखिएगा, थोड़ा सी यम्मी है, ज्यादा नहीं। आपका नाम क्या बोला था? मेरा नाम मोना टाइम। कितना क्लास में है? क्लास 4। का है बस्ती आपका? चलो तो दूर से आओ तो हैंडशेक कर दो, इतना सामने हो गया, दूर 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 दूर। तो आप, आपके लिए पी के देखो और टेस्ट बताओ कैसा है। अच्छा है होगा, आप जाके पियो। हाँ वेलकम। टाटा बोला है तो यहाँ पे हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। सरस्वती कैसे पीने में टेस्टी है ना? चलो डीजल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अभी अभी हम गोपोक पहुँच गए हैं गाइस, ये देख सकते हैं मेरा ससुराल गेंदा फूल लॉक्ड है। सोचा था सरप्राइज विजिट देगा लेकिन हम खुद सरप्राइज हो गए हैं, क्योंकि आज का मौसम भी क्लियर है। तो आई थिंक जितने हमारे सासुमा और हमारे ससुर बुरा शायद खेती गए होंगे। गेट इज लॉक। आया ब्लैकी ब्राउनी, कहाँ है आप लोग का मालिक? खेती किया सब गाइस, ये देखिए ये सब ये है मास्टर्ड का सीट है ना, ये सब में देखिए। ये जी का है मोमो, फ्राइड राइस और चौमिन। हम यहाँ पे खा लेंगे क्योंकि नोनों को भूख लग रहा है। खिलाओ मम्मा को। अभी हम पहुंच गए हैं सिलोंग विलेज, ये भी नोनोंग का विलेज है और नोनोंग सिलोंग में मस्ती कर रहा है, बोल रहे हैं। गाइस देखिए सिलोंग विलेज इतना सुंदर हो गया ना गाइस, जो ये सिलोंग विलेज है ये हम लोग का ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का सबसे साफा विलेज नियुक्त किया गया है, सबसे साफा विलेज का खिताब मिला है। गाइस देखिए ना सिलोंग का पोटेटो वाइन्स इतना हेल्दी है, ओ माई गॉड। गाइस ये सिलोंग का स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल। गब अपर प्राइमरी स्कूल, एक दिन मैं यहीं पे आऊँगी। बाहर का ब्यूटिफिकेशन बहुत सुंदर है, अंदर में भी हैंगिंग पॉट होने से और बहुत सुंदर लगता है। क्या घर है? आगो तो नहीं है, ग्रेवियर्ड तो नहीं है, ओ माई गॉड। लगता है कि यहाँ पे जितना भी दारू पीता है सबको यहाँ जमा करता है, लगता है ऐसा जमा नहीं करके डायरेक्ट स्वच्छ भारत का इरादा उसमें डालने से ठीक है, क्योंकि इतना स्कूल है, जैसे स्कूल और स्कूल का आगे इतना सुंदर है और उसका आगे में ही ये है दारू का खाली बोतल, जो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर सिलोंग का कोई भी सदस्य देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से ये जो दारू का बोतल को हटा दीजिए, क्योंकि स्कूल है, स्कूल का आगे इतना सुंदर हरियाली, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ऑल। सो अभी हम जाएंगे। वो देखिए नोनोंग और सरस्वती दीदी मोशन सिकनेस होके वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा अपुचुंग सो रही है, इतना छोटा छोटा सब्जी शायद मम्मी भेजा, मोशन सिकनेस आ रहा है ना, आधा मोरा बैठने से तो और क्या होगा होगा, चला के भी मुझे मोशन सिकनेस हो रहा है पहाड़ का रास्ता में। तेजू रास्ता में जेम्स भाई क्या कर रहा होगा, घूम रहा है यहाँ पे।
अचानक से मिले, कहाँ गया था? मोनू का वहाँ गया था ना, उसके बाद अभी अभी पहुंचा ये दोस्त का रेन में। ऐसा ना, अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा रोइंग घूमने। और रोइंग घूमने जा रहे हैं तो अभी कहाँ तीजू जा रहे हैं मेरा पोस्टिंग प्लेस में। मोनू का घर से अभी अभी पहुंचे हैं यहाँ। और अभी कहाँ जाएगा? अभी हम लोग रोइंग घूमने जा रहे हैं, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? उसके बाद पसीगा नहीं। और ये मिमी तो मेरा दोस्त का जो हाय हाय संतोष, ठीक है, एकदम बढ़िया होने वाला है। बाय, हाँ बाय, आई पते, बाय, सेफ जर्नी, बाय। हाय नोंग, हाय बोलो, आप फिर से सो रहे हैं? बाद में उसको बोलेगा, अभी के लिए सिर्फ आराम से सोने दो, तब तक हम आपको रास्ता दिखाएगा। ओ भाई साहब, गिरने वाला फोन, और अब वो जो फहर और मम्मा भी गाड़ी की चला रहे, और अब हम लोग गाना नहीं लगाया क्योंकि किसी लोग से पहले मैंने लिया था अतिन राइस केक। और सरस्वती दीदी वो देखिए मोशन सिकनेस होके, अपूचुंग भी अभी अभी उठा है। हाय बोला अपूचुंग, अब मजा से सोया है ना, चल हम दोनों राइस केक खाएगा। ये आपका, और खा के बताओ कैसे कैसे है? करने दो ना। ओ सॉरी, यम्मी है। ओ यम्मी है, सॉरी शक्तिमान दे। अब पूछूं सच में, खाने दो ने ने पुचुंग को छोटा छोटा टुकड़ा कर दे। अब पुचुंग कैसे करने में? नोनो कैसा है? कैसा है बेबी? और खाएगा? अब और कितना खाएगा? अब दो पूरी, तीन पूरी खा चुका है तो पेट भी बढ़ती हो गया। कैसा था खाने में? बस टेस्टी, लेकिन हमको ना बस पूरी करने में था, पूरी बस पूरी, इस पर दाल नहीं, दाल नहीं, सब्जी नहीं। हाँ। लेकिन भी आप सब्जी पूरा एक कटोरी खत्म कर दिया तो नहीं करे। और मामा, मुझे दाल खाने से होते ना। ओवर एक्टिंग मत करो ना, दाल खाने से किसे हो तो तुम ओवर से पानी खेल के हो गया, ठंडा पानी। अंकल आप कभी कभी नहीं कहते ना, हमको मामा को उम्मा थैंक यू उम्मा दिए ने, सुबह सुबह पूरी बना दिए। इतना मम्मा आयंग करते हैं, चोरी 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 जिसे इसे कर दिए होता। आप तीन पूरी खा चुके हैं आप? हम तो दो खाए हैं ना मैम। आप भी तीन खाए अब? नोनो क्या खाएगा लास्ट? आप पूरी तीन खा चुके हैं। देखिए भगवान को दिखो, किसी दिख रहा हमको, खिड़की से देख रहे है। देखिएगा अपूचुंग, इतना प्यारा है अपूचुंग का, भगवान अपूचुंग जैसे। देखिए ये झूठ बोल रही है, आप नहीं बने, हम बनाए, हमने आपको बुलाया है। मम्मा अपूचुंग ही बुलाया है। क्या अपूचुंग ही बुलाया है? झूठ बोल रहे हैं ना आप दोनों मिलके? नहीं, आप मेरे सामने में खुद से बैठ के बुलाया है। क्या आप मेरे सामने बैठ के खुद से बुलाया है? देखिएगा अपूचुंग यहाँ पे गाइस लोग को पूछते है अपूचुंग झूठ बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हैं। ये पुर का नाम क्या है? शंपा। जोर से बताओ ना, शंपा। ओह नो, थैंक यू, ओके, आई लव यू टू। ये कौन बनाया है? ये मैं इसको बनाया, ये काला काला। ये काला काला कौन बनाया है? हम। ये काला काला क्या चीज है आप पूछो? ये रात है। रात है?
ओह गाइस ये अंधेरा है बोल रहा है। ओह अंधेरा बना है ना। हाँ। ओ, आपका हाथ दिखाओ तो। वाह हो जाएगा दुला लो ना, कपड़ा दुलाने से चला जाएगा। वाह बढ़िया। इस मुर्गी आप कपड़ा दुलाए, आपका कपड़ा दुलाएगा मम्मा। होगा ठीक है। गंदा बड़ा कपड़ा कौन दुलाएगा? गंदा बड़ा कपड़ा कौन पे बताओ? इस अफुटिंग दुला देगा। वाह वेरी गुड। हमको हमको कपड़ा धुलाने आता है। आता है क्या? हाँ। कौन सी क्या है? मुझे ये तो हमको ना स्पाइडरमैन सिखाया है। वो देखो वो स्पाइडरमैन सिखाया है। हाँ जब हम छोटा था। ओह जब हमको बोला था। वो भगवान भी बताए। ओह वो भगवान ना। इस बार भी भगवान बोला है। मेरा रूम भी हम ना इतना भगवान के लिए इतना छोटा सी घर बनाया है। ऐसा? हाँ वो खुश हो गया इस बार हमको बताए। ओ भगवान के लिए आप घर बनाए तो भगवान खुशी हो कि आपको कपड़ा धुलाने के लिए सिखाया है। इसको बताए। ओ भगवान जो जा जाके स्पाइडरमैन को बताए, स्पाइडरमैन जो अपुचुंग को कपड़ा। जब हम सो रहा था। ओ ऐसा हमेशा ऐसे बताता था। ओ इश इश मामा कपड़ा धुलाया। कपड़ा कोया बता, गंदा वाला कपड़ा, गंदा वाला। मैम कपड़ा गंदा वाला अपुचुंग को एक तो हाफ पैंट दे रहा था, उसका ही हाफ पैंट धोने के लिए। हाय हाय हेड मैम, हाय मोलिया, हाय वंगी सर, हाय 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 परतेन, हाय परतेन सर, हाय चड्डा सर, हाय बहुत डिस्टर्ब। भेरा हो गया ना। हाय अंजलि मैम, हाय टेसम, रिटर्न्स ऑफ द डे, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनिक बर्थडे पार्टी। चलो सब हैप्पी बर्थडे गाना एक साथ खड़ा होके गाओ। 1 2 3 टू यू हैप्पी बर्थडे, टू यू हैप्पी बर्थडे, dear Anjali ma'am, happy birthday to you. Talia, yeah! मेरे मोह माया सभी से मैं कोसो दूर। नहीं कलरफुल कपड़ा भी मैं सतरंगी कपड़ा पहनूंगी, सफेद हो गया मतलब सतरंगी पहनूंगी क्योंकि उसमें बहुत वैल्यू है। ये लाइट है ना, लाइट जब हम लोग का बदन में पड़ता है ना तो इसका बहुत मेडिसिनल वैल्यू होता है। सच में ना मैडम, ब्लू कलर जब भी गुस्सा लगते तो स्काई को देखो, गुस्सा ठंडा गुस्सा ठंडा हम तो डायरेक्ट गुस्सा होता है बाहर निकलते स्काई को देखते पीस भी बस अभी। उसका नहीं उसे भी मैं चरणों से ऐसा करूंगी। हे राम सर, मेरा 7 days हो गया था ना तो आने लगा, ये मेरा बर्थ है रिवर्ट ब्रह्म कुमारी में। अभी मैं सिर्फ 7 दिन की हूँ, मेरी आत्मा सच में ये वागदी सर का, ये वागदी सर के दुष्ट आत्मा बोल रही वागदी सर। बालक ये कुछ नहीं, आप नहीं बोलिए, आपका दुष्ट आत्मा बोल रहे हो जाए, ये बात में ठीक हो जाएगा। ऐसा शिष्य हमें नहीं चाहिए ना। नहीं हमारा हकला भी गंदा पूरा हम लोग देखा देगा। अभी जो है ना माउंट आबू में जाएगा मेडिटेशन करने, माउंट आबू फॉर 7 days सर, वंगी सर माउंट आबू में 7 days आप मेडिटेशन करने जाएगा माउंट माउंट आबू में, तब प्योर सोलो के आ जाएगा। आप लोगों को भी हम ब्रीच करेंगे, आप लोग भी पूरा जो ये आप लोग का धूम्रपान मदिरा आप सब छोड़ देंगे।